नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु टेक में। दोस्तों मैं सुरेश कुमार आज आपको बताऊंगा कि यदि हमें SBI के अंदर अपना अकाउंट का बैलेंस मिस कॉल से चेक करना हो तो हम उसे किस प्रकार चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि बार बार जाकर पासबुक को एंट्री करवाता फिरे या बार बार अपने मोबाइल में नेट बैंकिंग को लॉगिन करके चेक करता रहे। तो यदि आपको बैलेंस चेक करना हो तो आप सिर्फ एक मिस कॉल करके अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। कितना आसान तरीका है, आपको ना ही नेट कनेक्शन की आवश्यकता है, ना ही आपको बैंक जाने की आवश्यकता है। सिर्फ आप एक मिस कॉल करेंगे और आपके अकाउंट का बैलेंस SMS के जरिए आपके मोबाइल पर बता दिया जाएगा। यदि आपको दिन में 5 बार भी अपने मोबाइल का बैलेंस चेक करना है तो आप एक मिस कॉल करेंगे और 5 बार ही आपके पास मैसेज आएगा। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने बैंक में जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना होगा। यदि बैंक के अंदर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप बैंक में जाइए और वहां पे उन्हें बोलें कि हमारी KYC अपडेट करें। जब वो KYC अपडेट करेंगे तो उस समय आपका आधार नंबर, पैन नंबर और आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। जब आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक नंबर पर मैसेज भेजना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको इस नंबर पर REJ स्पेस और अपना अकाउंट नंबर लिखकर मैसेज कर देना है। जब आप इस नंबर पर मैसेज कर देते हैं तो SBI के द्वारा आपको एक SMS भेजा जाता है जिसमें कि आपको बताया जाता है कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर मिस कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा जिसमें कि आपका अकाउंट बैलेंस बताया जाएगा। इस नंबर पर यदि आप दिन में 5 बार भी मिस कॉल करेंगे तो आपके पास 5 बार मैसेज आएगा जिसमें आपका अकाउंट बैलेंस बताया जाएगा। और ये सर्विस बैंक की तरफ से बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अगर आप भी SBI में अपना अकाउंट है आपका तो आप इस प्रकार से अपने अकाउंट का बैलेंस मिस कॉल के जरिए चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी नॉलेज मिलती रहे तो उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने आपके पास में पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, वंदे मातरम।